ट्यूसडे की भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ चुकी है। आर्टिकल 370 का जलवा बरकरार है। कल आर्टिकल 370 का पांचवा दिन था थिएटर में। कल इसने 3,35,00,000 रुपए के करीब कमाए और इससे इसका जो टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन होता है वो 31 करोड़ रुपए हो जाता है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 37 करोड़ रुपए के करीब हो जाता है। और कल थिएटर में इसकी ऑक्युपेंसी 13% रही। मतलब कल के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नंबर है ना, सभी मूवीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऑलमोस्ट सेम हैं जो मंडे के थे। बात करें क्रैक मूवी के बारे में तो क्रैक मूवी का कलेक्शन भी काफ़ी स्टेबल है। परसों भी 1 करोड़ रुपए के राउंड था और कल भी इसने 1 करोड़ रुपए कमाए। इसका जो टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन हो जाता है वो लगभग 10.5 करोड़ रुपए हो जाता है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है इसका 12,10,00,000 रुपए के करीब। ये मूवी लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आ रही है। इस मूवी का जो कलेक्शन है वो बहुत लो ही चल रहा है और इस हिसाब से लगता है कि ये मूवी शायद फ्लॉप हो जाए। लेकिन एक बात तो है, जिन लोगों को एडवेंचर्स पसंद है उन लोगों को ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। अब बात करें तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी के कलेक्शन के बारे में। इसका 19वां दिन था कल थिएटर में और कल इसने लगभग 75 लाख रुपए के करीब कमाए। परसों भी इस मूवी का जो कलेक्शन था 80-85 लाख रुपए के करीब था, तो कलेक्शन इसका कॉन्स्टेंट रहा है। और इस मूवी का जो अब टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन हो जाता है उसमें भी कोई ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। इंडिया में इसका कलेक्शन 75,35,00,000 रुपए हो गया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 125 करोड़ रुपए हो चुका है। मतलब ओवरसीज़ में इंडिया से बाहर ये मूवी 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है। ये बहुत मुश्किल है कि ये भारत में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा क्रॉस करेगी। 25 करोड़ रुपये कमाना इसके लिए बहुत मुश्किल है जब इसका कलेक्शन लाखों रुपये में चल रहा है, करोड़ों में नहीं। तो अगर ये मान लो 25 दिन भी थिएटर में रह ले तो भी 25 करोड़ रुपए नहीं कमा सकती और ये 25 दिन थिएटर में नहीं रहने वाली। बात करें फाइटर मूवी की तो ऋतिक रोशन की फाइटर का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है। 34 दिन हो चुके इसको थिएटर में, कल इसका 34वां दिन ही था थिएटर में। कल भी इसने 20 लाख रुपए के करीब कमाए, परसों भी इसने लगभग 20 लाख रुपए के करीब कमाए थे। स्क्रीन इसके पास में है नहीं है। थिएटर में ऑक्युपेंसी इसकी जितनी मूवी बाकी मूवीज़ की ऑक्युपेंसी है उतनी इसकी भी ऑक्युपेंसी है। इसकी कल 11% के करीब ऑक्युपेंसी थी। 250 करोड़ रुपए के बजट में बनी मूवी अब तक 353 करोड़ रुपए कमा चुकी है, ऑलरेडी सुपरहिट हो चुकी है और ये मूवी भी अब थिएटर से कभी भी उतर सकती है। तो दोस्तों ये तो थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट। आज के जो नंबर्स आएंगे उसके बारे में हम कल बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपका इन चारों मूवीज में से कोई मूवी देखने का प्लान है और आप कंफ्यूज हो कि कौन सी मूवी देखें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी जो लेटेस्ट आर्टिकल 370 आई है आप इस मूवी को जरूर देखें। इसके अंदर आपको काफी ज्ञान मिलेगा और ये मूवी कैसी है इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक रिव्यू बना चुका हूं। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखें कि इस मूवी के बारे में आपको हिसाब लग जाएगा कि ये मूवी कैसी है। अगर आप क्रैक देखना चाहते हैं तो मैंने क्रैक का भी ऑलरेडी रिव्यू बना रखा है, उस वीडियो को आप मेरी प्लेलिस्ट से देख सकते हो और उसका मैं लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।